आज गुल्ली बुल्ली और शॉन साथ में फ्री फायर खेल रहे थे। गुल्ली ने शॉन से कहा कि तुम्हारी गलती के वजह से हम 3 बार हार चुके हैं, हमें छुप के लड़ना है, दिमाग से लड़ना है। शॉन ने कहा, मैं छुप के लड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैं सामने जाके मारता हूँ। गुल्ली ने कहा, तुम सामने जाके मारते नहीं हो, तुम सामने जाके मरते हो और तुम्हारी वजह से हम भी मरते हैं। तभी गुल्ली का फोन बजता है। गुल्ली ने कहा, बाबा का फोन आ रहा है। गुल्ली फोन उठाता है। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, आपने इतनी रात को क्यों फोन किया है। बाबा गुल्ली से कहते हैं कि मैं पिक्चर देखने गया था और आते वक्त मेरी बाइक बंद हो गई और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। गुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा आप कौन सी पिक्चर देखने गए थे। बाबा ने कहा, मैं स्पाइडरमैन देखने गया था, बहुत मस्त पिक्चर है। गुल्ली ने कहा, तो कल हम फिर से साथ में पिक्चर देखने जाएंगे। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम या फिर बुल्ली मुझे यहाँ से आके ले जाओ। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, मैं शॉन को भेज रहा हूँ, वो आपको आपके घर पे छोड़ देगा। गुल्ली ने कहा, लेकिन बाबा आप इस वक्त कहाँ पर हो। बाबा ने कहा, तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा घर है, मैं उसी घर के सामने खड़ा हूँ, जल्दी से शॉन को वहाँ पर भेज दो। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी शॉन को भेजता हूँ। बाबा ने सोचा, जब तक शॉन आता है तब तक मैं थोड़ा डांस कर लेता हूँ। बाबा डांस करने लगते हैं। शॉन से कहा, जल्दी अपना स्कूटर लेके बाबा को उस बड़े घर के सामने से ले आओ। शॉन ने कहा, मैंने वो बड़ा घर नहीं देखा। शॉन ने कहा कि तुमने वो घर देखा है तो तुम बाबा को ले आओ। गुल्ली ने कहा, अरे शॉन, तुमने भी वो घर देखा है, हम काफी बार उस घर के सामने से गए हैं। शॉन ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ। शॉन को पता नहीं था कि बाबा किस बड़े घर के सामने खड़े थे। शॉन कहीं दूसरे रास्ते पे ना चला जाए, शॉन कहीं खो ना जाए। गुल्ली बुल्ली फिर से गेम खेलने लगे। शॉन बहुत सुनसान जंगल से गुजर रहा था, वहाँ पर काफी सारे जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। शॉन को बहुत संभल के जाना होगा, नहीं तो शॉन पे कोई जंगली जानवर भी हमला कर सकता है। थोड़ा आगे जाते ही शॉन एक गांव में पहुंच जाता है। शॉन ने देखा कि वो गांव बहुत ही सुनसान था, उस गांव में एक भी आदमी नहीं था। तभी शॉन को सामने एक बड़ा घर दिखता है। शॉन को लगा कि ये वही घर है जहां पर बाबा ने उसे बुलाया था, लेकिन शॉन को नहीं पता कि ये एविल नन का घर है। शॉन ने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शॉन बाबा को ढूंढने लगता है। शॉन गेट खोल के अंदर चला जाता है। तभी पानी के अंदर से इविल नन अपना सिर बाहर निकालती है। शॉन को कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही शॉन उस तरफ देखता है, इविल नन फिर से पानी के अंदर चली जाती है। शॉन को बहुत डर लग रहा था। शॉन गुल्ली को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना मिलने की वजह से फोन नहीं लग पाता। शॉन बाबा को आसपास के घरों में ढूंढने लगता है। इविल नन शॉन को देख रही थी। तभी शॉन को बहुत सारे कंकाल दिखते हैं। शॉन फिर से अंदर चला जाता है। शॉन घर का गेट बंद कर देता है। शॉन समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। शॉन वहां पत्थर पे बैठ जाता है। शॉन फिर से बाबा को फोन लगाने की कोशिश करता है। बाबा को फोन लग जाता है। बाबा फोन उठा के शॉन से कहते हैं कि कहाँ हो तुम शॉन, और कितनी देर लगेगी। शॉन ने कहा, बाबा मैं उस बड़े घर पे आ गया हूँ जहाँ पर आपने मुझे आने को कहा था। बाबा ने कहा, कहाँ हो तुम, मुझे तुम दिख नहीं रहे। शॉन ने कहा, यहाँ काफी सारे घर है, मैं सबसे बड़े घर के सामने एक तालाब के पास बैठा हूँ। बाबा ने कहा, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही घर है और यहाँ पर कोई तालाब नहीं है। बाबा ने कहा, मुझे लगता है तुम गलत एड्रेस पे पहुँच गए हो। शॉन ने कहा, हाँ बाबा मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये काफी सुनसान गाँव है, इस पूरे गाँव में एक भी आदमी नहीं रहता और मैंने अभी अभी एक घर के अंदर काफी सारे कंकाल देखे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाबा ने कहा, शॉन हो सके उतना जल्दी वहाँ से भाग जाओ। शॉन ने कहा, क्या हुआ बाबा। बाबा ने कहा, तुम सवाल मत पूछो, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो।
तभी इविल्सन पानी से बाहर आके शॉन को पकड़ लेती है। शॉन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाबा ने कहा क्या हुआ शॉन? तभी इविल्सन शॉन को अपने साथ पानी के अंदर ले जाती है और फोन कट हो जाता है। बाबा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बाबा फिर से शॉन को फोन लगाते हैं, लेकिन शॉन फोन नहीं उठाता। बाबा समझ गए थे कि शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो दोस्तों, क्या होगा शॉन का? क्या इविल नन शॉन को मार देगी या फिर बाबा शॉन को बचा पाएंगे? ये सब हम देखेंगे गुल्ली बुल्ली और इविल नन पार्ट 2 में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।